मेरे प्यारे प्यारैर मित्र के हम बात करने वाले हैं जैम सिरप के बारे में यानी सिरप के क्या फायदे क्या नुकसान इस जानकारी जानने वाले हो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप इस प्रोडक्ट को गैस बनने में भी यूज कर सकते हो यदि आपकी एसिडिटी होती हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों गैस के कारण घबराहट महसूस होती हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों सिर चकराना व आंतों की खुश्की होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों लीवर कमजोरी के कारण लिवर का खून न बनना इसमें भी आप इस प्रोडक्ट का कर सकते हो और इसी के साथ साथ दोस्तों जिगर में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो या फिर आंतों और मैदे पर सूजन होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों आंखों की रोशनी कम होना व नींद कम आना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों बालों का टूटना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर बालों का झड़ना उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो या दोस्तों सफेद बाल होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों बॉडी में खुशकी सी महसूस होना उसमें भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो या फिर दोस्तों तो कई बार हमारे शरीर पर इन्फेक्शन हो जाते हैं या फिर जोड़ों में दर्द होने लगता है उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो या फिर दोस्तों कमर दर्द हो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो या फिर दोस्तों आपके मसल्स यानी मांसपेशियों में दर्द होना रुक रुक कर होना या बार बार होना या

अपने डॉक्टर से संपर्क करें नंबर टू किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए क्योंकि मरीज की पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं उनके हार्मोन्स के ऊपर उनकी उम्र के ऊपर उनके वजन के ऊपर उनकी जाँच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइया देता है इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी की संपर्क करें क्योंकि दोस्तों जान है तो जहा है वरना सब मिट्टी समान है उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ तो दोस्तों सिर्फ की फिल्म जानकारी दोस्तों अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक